सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, अब मैं शूट पर थी और मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये मेरी दोस्त यास्मीन है, वो अपनी वीडियो स्नैप बना रही थी, तो उसकी बैक साइड पर मैं जो बात कर रही हूँ वो आप सुन सकते हैं कि वहाँ पर हमारी बहस हो रही थी। तो ये छोटा सा क्लिप मुझे मिला इनकी वीडियो के बाद। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मुझे ऐसा कुछ मिले, बस फ़ोन मेरा मेरे पास नहीं था क्योंकि वो कैमरामैन शूट कर रहा था उसके हाथ में था। सेकंड थिंग इज कि मैं इनकी प्लेस पर थी, इनके पास फुटेज होंगी सारी, ठीक है, मेरे पास नहीं होंगी। मैं इनकी प्लेस पर थी और मेरा फ़ोन भी साइड पर था, मैं शूट पर थी और वहाँ पर जितने सारे होंगे वो सारे इकट्ठे होंगे। अब वो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हमारा ही गलत था स्टाफ। मेरी बात सुनो, लंच मंगाया है ना, 5-10 मिनट में आ रहा है, लंच कर लो ताकि जो है ना फिर इजीली मेकअप वगैरह हो जाएगा, वरना फिर वो सब खराब हो जाए ना, तो लंच कर लो पहले। डार्क पिंक वो तो ठीक है, लंच में वो ठीक है, वो कर लेते हैं, लेकिन जब से आए हम चल इसी तरह बैठे हैं। वैसे आप बोल रहे थे कि लाइट्स कम हो जाएंगी, लाइट्स कम हो जाएंगी। मैं मम्मा को जल्दी से हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करके आई हूँ भागते हुए, क्या बोल रहे हो लाइट्स कम हो जाएंगी, जल्दी आओ। हम आकर स्टिल बैठे हुए हैं, एक ड्रेस पहन कर इधर उधर घूम रहे हैं बस, और कोई मसला नहीं है। मतलब काम होता है ना तो फौरन मतलब जल्दी जल्दी रेडी करते हैं, हम दोनों को पिक्चर्स लेते हैं, हम भी फ्री हो जाते हैं, आप लोग भी फ्री हो जाते हैं। मैं सब इतना कह रही थी। सेकेंड चीज़ ये, जब इन्होंने कहा कि सहर ने आते साथ ही कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, और आते साथ अपनी टिकटॉक्स बनाती रही, हम इसको कहते हैं कि नीचे चल जाओ, लाइट खराब हो जाएगी, फिर लाइट चली गई, फिर इनका शूट नहीं हो सका। गाइस मैं 2 बजे वहाँ पर पहुंची हूँ, 3:30 बजे मैं इनको मैसेज कर रही हूँ कि हम रेडी, हमें रेडी कर दो, हम शर्ट्स पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, जल्दी जल्दी काम होता है ताकि आप भी फ्री हो जाएं और मैं भी फ्री हो जाऊं। और आप पहले कह रहे थे कि लाइट्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, लाइट्स चली जाएंगी, अब लाइट्स नहीं जा रही। आप वो देख सकते हैं वॉइस नोट में कि मैं इनको कह रही हूँ कि हमें मुझे तैयार कर दें, और 2 से लेकर 11:30 अकॉर्डिंग टू हर 11:30 बजे मैं वहाँ से निकली हूँ, तो 2 से लेकर 11:30 तक की फुटेज किधर है? ये 2 मिनट की फुटेज थी जो से तुम्हें जो बात करनी है उस लड़के से बात कर लो, उस लड़के से बात बात करवा लेती हूँ, वो बहुत परेशान हुआ है, उसकी नौकरी की बात बात है। तुम्हें धमकी वगैरह कौन दे रहा है, किस चीज़ की? वो अजीब सा हुआ है, वो पूरा रो रहा है, अजीब सा हुआ है वो, तुम बात बात कर लो, जो है तुम उस पर गुस्सा उतार लो, उसको दे दो गालियाँ, जो भी है बात कर लो, एक बार बात तो करो तुम उससे। वो तो इतना परेशान हुआ है क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल, और तो पता है कश्मीर को अभी तक पता नहीं, पता चलेगा तो वो ज़्यादा उस पर हो रहा है कि मतलब उसके आगे क्या हाल होने वाला है। वो इतनी दूर से आया हुआ है इसी चीज़ से, इसके लिए तो थोड़ा सा देख लो, इस लड़के से बात कर लो, तुम जो मसला है उससे बात कर लो, सॉल्व कर लो। और स्टाफ की तुम बात करियो कि ऐसा होता तो तुम्हें मैंने ड्रेस का ही बोला था, हाँ मैं तुम्हें ड्रेस दे दूँगी, जो है मेकअप वेकअप भी हो जाएगा, जो हो जाएगा, तुम्हारे साथ इतने अच्छे से मिली हूँ, बात बात किया, तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया हर चीज़ में, तो तुम थोड़ा सा हमारे साथ भी कोऑपरेट कर लो। और तीसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि इनका स्टाफ मुझे कॉन्टेक्ट करता रहा, मैं ऑनलाइन दिख रही थी और मैं इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आपके सामने स्क्रीनशॉट कि मैं वहाँ के स्टाफ से उनको रिप्लाई कर रही थी, उनको बता रही थी, वो किस तरह माफ़ियाँ मांग रहे थे मेरे से कि वो लड़का डर गया है बहुत ज़्यादा, उसकी जॉब चली जाएगी, काशिफ सर को नहीं पता अभी, वो डर गया। अब इनका ये बयान है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पहले इन्होंने मुझसे माफ़ियाँ मांगी हैं, अब ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और उस जगह की जहाँ का मैंने आपको क्लिप दिखाया है उस जगह की फुटेज नहीं दिखाई, और वो वहाँ की फुटेज नहीं दिखाएंगे जहां पे हमारी बहस हो रही थी, जहां पे हमारी लड़ाई हुई है। दूसरी साइड पर भी जाके हमारी बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, वो लड़का बात करके बदतमीजी करके वहां से चला गया, हमारी बहस होती रही बहुत देर, जिस सामने मुझे बुलाया उसके साथ बहुत देर बहस होती रही, वो बोले फुटेज नहीं दिखाए क्योंकि CCTV के सेस तो इनके पास है, मेरे पास तो है। फिर ये कहती है कि सहर हयात वह जिसके साथ हैरेसमेंट हुई होती है वो इतना खुशी खुशी कैसे वहां पर घूम रहा होता है। मुझे आप एक बात बताएं, जगह इनकी, लोग इनके, स्टाफ इनका, वहाँ पर लड़के इनके इन्हीं के, मैं वहाँ पर अकेली, मेरी एक दोस्त लड़की ही समी साथ, हम वहाँ पर अकेले, मैं क्या करती वहाँ पर, मैं सर फाड़ के आ जाती। मैंने किसी तरह मुश्किल से हंसी खुशी से वहाँ से निकलना था क्योंकि वहाँ पर मुझे कहा जा रहा था कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मैं हूँ एक लड़की ही, मुझे वहाँ से सेफली निकलना था, इसलिए मैं वहाँ से निकली। और ये पूरी फुटेज में देख सकते हैं कि मेरी कितनी खुशी जाहिर हो रही है, ठीक है, और मैं कितनी खुश अखलाक, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ,
मैं सबके साथ ही खुश अखलाक हूँ, ठीक है। तो मैं खुश अखलाकी से वहां से निकली और मैंने किसी लड़की का, इनकी स्टाफ लड़की का नाम नहीं लिया, और मैं सबसे अच्छे तरीके से मिलकर निकली। अब मैं आप लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने लगी हूँ जो इनका स्टाफ है अल्फिया, उसके साथ मेरी कॉल पर बात हुई थी। ये लोग आपको बोल रही हैं कि हमारे साथ इसने कोई रब्ता नहीं किया है, कुछ नहीं किया। मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, वो सुन लें, फिर उसके बाद करते हैं बात। सर मैं अल्फा बात कर रही हूँ, काशी से। जी अल्फा। अच्छा कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुपर। क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की? देखो अल्फा, मैं पहली दफा सैलून में नहीं आई थी, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले भी बहुत सैलून्स में आई हूँ। वहां पर एक लड़का था, पता नहीं उसका क्या नाम है, शायद उसका नाम है माज, ठीक है। उसने इतनी माज है शायद, पता नहीं क्या, इसको पता है, असाम को पता होगा। उसने उसने इतनी पहले बदतमीज से तू तरह करके उसने मेरे से बात की पहले, उसके बाद उसने मुझे हरेस किया। मैं तुम्हें बात नहीं इस तरह बता सकती, उसने मुझे हरेस किया, ठीक है। उसके बाद वो उसके बाद धमकियां लगाई है उसने मुझे, उसने लगाई धमकियां। असाम को बुलाकर कहता है, पता नहीं उसके असाम को क्या कहा कि जाके अनु दस दे, तू नहीं दस सकता तो मनु दस, मैं अनु दस ना। इसको क्या लगता है भाई, ये केरी लड़की है, ये मेरे कोई पीछे बोलने वाला नहीं है, ये कोई तमीज थी? इसको बात करने की तमीज नहीं है? किसी लड़की से किस तरह बात करते हैं? ये मुझे वहां पे बैठ के हरेस कर रहा है, धमकियां लगा रहे हैं, ये कोई तरीका है? ये आप लोगों की सर्विसेज है कि आप किसी के शहर में आके अपना काम शुरू करते हो और बाद में वहां की लड़कियों का हरेस करवाते हो? अच्छा, तो मुझे तो बताती नहीं, नहीं तुम मुझे तो बताती। देखो तुम्हें हमसे भी कंप्लेन हुई, ये बताओ। देखो मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, वो लड़का मुझे हरेस कर रहा है, मैं नीचे से वहां से चली गई हूं कि वो लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं वहां पे चुप में चार बंदों में क्या बताऊं कि भाई वो मुझे हरेस कर रहे हैं। मैं वहां पे उसको कह रही थी कि मैं वहां मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं वहां जाकर स्टोरी लगाऊंगी, तो आगे से शाम कहता है कि हमारा कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। व्हाट द फक इज दिस, कि हमारा कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। असाम ने तुम्हें बोला है? असाम ने बोला है, असाम से पूछ लो। मैं आप सबके साथ नाइस थी, मैं सबके साथ ही नाइस होती हूँ। मैं और भी सैलॉन्स में गई हूँ, मेरे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहले सुना था क्योंकि यहाँ पर लड़के भी थे और सारे इकट्ठे और इंतहा के बदतमीज, और वो वहाँ बैठ के मुझे हरेस कर रहे हैं, वो जो मुझे बातें कर रहे हैं। मैं तो भाई लीगल एक्शन लूंगी, सीधी साफ बात, मैं नहीं बख्शूंगी। मैं एक लड़की हूँ, मेरी इज्जत पर बात कैसे, उसने मुझे हरेस कैसे किया? और मैं सबको कोर्ट में मिलूंगी और मैं ये हरकत करूंगी अब, क्योंकि मुझे वहां से मैं किस तरह निकली हूँ मुझे पता है। इनको क्या लगा इन लड़कों को कि लड़की अकेली आई हुई है, इसके साथ कोई लड़का नहीं है, ठीक है। वो तो मेरी मामा आ गई उधर, मेरी माँ बीमार, ठीक है। तो मैं वहां पर भी मैं चुप हो गई कि मेरी माँ आ गई, मेरी माँ बीमार है, बीपी की वो मरीज है, मैं वहां पर चुप हो गई। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि मेरे साथ बदतमीजी की जाए। उनको लगा सहर है, कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ बोलेगी नहीं, वो कुछ करेगी नहीं, वो एक्शन नहीं लेगी, बेवकूफ है, इनको पता नहीं उन्होंने पाला किससे लिया। तुम कम से कम मुझे तो बताती ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई बात बात हुई है ना, तुम डिस्कस तो करती, कहीं उसने मजाक में ना बोल दिया ऐसा। मजाक वो मेरा क्या लगता है, वो मुझसे मजाक करेगा? मेरे साथ मेरे साथ मजाक करने की इजाजत असाम को भी नहीं है। वो थर्ड पर्सन कौन होता है आकर मुझसे मजाक करेगा? मैं तो शाम को जल्दी नहीं देती, मुझे तुम कर कर बात करो, मुझे आप कह के वो मुझसे बात करे, ये कौन होता है? इसलिए नहीं कि मैं सहर हयात हूँ, इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ और मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये तो है, लेकिन ये रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, वो बात सही है। चलो मुझे ये था कि तुम तो इतने अच्छे से होकर गई हो सब कुछ, मैं तो खुद परेशान होगी इसके साथ किसने बदतमीजी की। मैंने कहा कि नहीं मैं बात करूँ, मतलब हमारी तरफ से कुछ होगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। हालांकि तुम्हें तो हर चीज खाना पीना ये वो, मैंने कहा नहीं किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई कंप्लेन तो उसके लिए सॉरी। खाना पीना इज्जत नहीं होती ना अर्शा, खाना पीना इज्जत नहीं होती, इंसान के साथ किस तरह बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए। पूरा दिन खाना पीना ना देते, एक बजे से बुला के रात 12 बजे मुझे फ्री किया, मैं उसमें भी नहीं बोली। खाना पीना सब कुछ नहीं होता, आपको तमीज होनी चाहिए, आप बात किससे कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, और आप एक लड़की से बात कर रहे हो। खैर हमारे शूट में तो इतना टाइम लग ही जाता है दिन रात ना, इतना टाइम, क्योंकि ऐसी बात है ब्रेड वेड का रश था ना, तो इस वजह से हो गया था ना, तो मुझे यही लगा। चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसे कोई मसला नहीं, तुम आ जाओ कल आके बात कर लो, जो भी है आमने सामने बात कर लो। हसान ने तुम्हें, हसान ने तुम्हें बुलवाया ना, उसी से बात कर लो तुम ना, उसी से डिस्कस कर लो, उसी से बात। मैं ऐसे करती हूँ, जरा मुझे बीच में कॉल आ रही है, एक मिनट। ओके ओके।
सारी रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है, मैसेज आपने देख लिए, वीडियो आपने देख ली है, फुटेज सारी इनके पास है, मेरे पास नहीं है। ये वही चीज लगाएंगे जिनमें इनका फायदा है, वो चीज नहीं लगाएंगे जहां पे हमारी बहस। और बाजी आप जो कह रही हैं कि इसको सस्ती शोहरत के लिए इसने चीप हरकत की, तो मेरी बहन मुझे सस्ती शोहरत की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप जो कह रही हैं दौलत लेकर इसने ये ऐसे किया, तो मुझे ये वीडियो बनाकर ना आपसे कोई दौलत मिली है ना किसी और से। और अगर आपको पता है, आपको लगता है कि मैंने किसी से दौलत ली, तो आपको ये भी पता होगा मैंने किससे लिया, आप उसका नाम भी बता दें फिर, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है। इन्होंने हमें कहा कि हमें पिक्चर्स नहीं चाहिए, हमें वीडियोस चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा टिकटॉक्स बनाएं। और मैंने इनकी बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई थी क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था, इतनी वीडियोस तो मैं भी नहीं बनाती, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि इतनी वीडियोस बनाएं आप, हमें आपके टिकटॉक पर ही प्रमोशन चाहिए, इसलिए फिर वहां पर खड़ोगे भी हमने वीडियो बनाई, वो चीजें नहीं दिखाएंगे। इनको सिर्फ वीडियो चाहिए थी, और इनके पास कैमरा जो था सिर्फ पिक्चर, और इनके पास फोन था, एक कैमरा था जिसमें दो पिक्चर्स ली, उस लड़के ने हरास किया वो चला गया, उसके बाद इनके पास कैमरा नहीं था क्योंकि उसने तो हरास किया, उसका बहस हुई वो चला गया, इनके पास कैमरा नहीं था, फिर ये फोन से ही सारी पिक्चर्स वगैरह, या पिक्चर्स तो उन्होंने ली नहीं, खैर वीडियोज बनाते रहे कि हमें वीडियो बनानी है, हमें वीडियो चाहिए अपने पेज के लिए, अपने टिकटॉक के लिए हमें वीडियो चाहिए, वो चीजें नहीं दिखाएंगे क्योंकि फुटेज मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक्सेस होती, मैं आपको जरूर दिखाती, जरूर दिखाती मैं आपको, मैंने आपको जितना बताना आपको बता दिया। थैंक यू।